एक भाई दो भाई थे, वो दोनों भाई मर गए। पासिंग जो बसों की जो पासिंग होती है वो सबसे ज्यादा करप्ट है, वहाँ पर सख्त से सख्त इनको सजा का प्रावधान किया जाए। तो जी नमस्कार, K9 मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा। अभी हम लोग मौजूद हैं उन्हाणी गांव में, कणीना में जो पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले में। सुबह से आपने घटना सुनी होगी कि जो स्कूल बस है वो एक्सीडेंट हो गई है बच्चों की, और उसमें 6-7 बच्चों के डेथ की खबर आ रही है अभी, और बहुत सारे बच्चे घायल हैं। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, यहाँ वो गाँव है और यहीं कुछ आगे उस बस का एक्सीडेंट हुआ। ये यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है मुस्तैदी से। और ये जो ड्राइवर है वो नशे में बताया जा रहा है कि शराब पीकर वो ड्राइवर बस चला रहा था। हालांकि आज सरकारी छुट्टी थी ईद के मौके पर, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल आपको पता है मनमानी की वजह से अपने स्कूल खुले रखते हैं। और ये हादसा यहाँ पर हो गया है, गाँव के लोग मौजूद हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी क्या होया भाई? इतना फिर मत बाद में आए, बाद में आए हो भाई। ये ग्रामीण मौजूद है यहाँ पर। भाई साहब राम राम। भाई साहब क्या हुआ अभी, क्या खबर है, क्या अपडेट है अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं? डेट तो कुछ नहीं है, जाम लगा रहे थे प्रशासन ने, आगे हटा लिया भाई साहब। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई मिनिस्टर आ रहा है इधर। इतने बच्चों के साथ जो हादसा हुआ है, किसी माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है, ये छोटी बात नहीं है। स्कूल की लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही, जितने बच्चे हैं, कितने कितने बच्चों की अभी खबर है? 15 बच्चों की। कितने टोटल कितने बच्चे थे? बच्चे 20-25 के समथिंग हुए। उसकी ड्राइवर की पहले खिड़ी में चाबी घुसी हुई, लेकिन जब स्कूल से बात की गई तो बोला हमारा ड्राइवर ऐसे ही है मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई कोई कुछ नहीं आया, कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं आया। वोट मांगने के सब आएंगे। हाँ, वोट मांगने के लिए आएंगे सब। सांसद साहब यहाँ की सरकारी छुट्टी थी आज की, गवर्नमेंट छुट्टी थी, उसके बाद भी सरकारी में अभी स्कूल खोलने देता है वो आज कल दे। लेकिन सरकारी छुट्टी के दिन भी भेजते क्यों हैं? मतलब जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को भी पता है, वो टीचर्स का दबाव होता है तब भेजते हैं बच्चे, तब भेजते हैं। सरकारी छुट्टी वाले दिन छुट्टी होनी चाहिए भाई, स्कूलों में अपनी मनमानी की वजह से। हाँ, मनमानी की वजह थी हो भाई, वो बढ़ाई चाहो इसी मेडल को अगर हम पढ़ावा जब पढ़ाई छुट्टी वाले दिन भी पढ़ावा, छुट्टी वाले दिन पढ़ावा। हाँ, और जिस जाई भेज दें माँ बाप। हाँ, और क्या करी तो दाँव पटे तो भेजेंगे अब बुलाया जम। अरे तो छुट्टी जाए बुलाया। किस उम्र के बच्चे थे ताऊ जी? बच्चे 15 अगस्त भी होंगे, 18 अगस्त भी होंगे, 17 अगस्त भी होंगे, 10 से 15 अगस्त 16 साल 17 साल 18 साल घर देख के गए था। फिर ये लापरवाही टाइम टाइम पर होती रहती है, और फिर भी कोई मतलब सरकार ना कदम उठाती है ना कुछ नहीं। सरकार पुलिस नहीं खड़ी है, तेरा कह रही थी ना लगाओ बेटा, फिर तुम जब बोले क्यों नहीं? मैं तो अभी आया हूँ एक मिनट पहले, शिक्षा मंत्री भी आया अभी। अरे क्या मंत्री? 6 बजे और मंत्री भाई, चुनाव के टाइम तो नेता आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो उस टाइम पे जी बोलते क्यों नहीं हो? अगर आप ऐसे पीछे वो मांगना हो तो वोट मांगना हो। क्या तेरा बोला जनता भी ही ना, मैं गेट नहीं, ये गेट नहीं, जनता तेरे सुसरा का ढोलदान दे दी चाहे बालता। भाई ताऊ जी बता रहे हैं कि काफी जो माँ बाप है उनके तो सिर्फ एक ही बच्चे थे,
और उनका जो पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो ये मनमानी करते हैं कि सरकारी कोई भी छुट्टी हो, जयंती हो या कोई त्यौहार हो, उस दिन भी वो स्कूल को खुला रखते हैं और उस दिन भी छुट्टी नहीं करते। इसी वजह से, और जो ड्राइवर है वो बताया गया कि गांव में उनकी पहले चाबी खोस ली गई थी, छीन ली गई थी, क्योंकि वो शराब पिए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी स्कूल वालों ने बोला कि भाई भेज दो इसको, हमारा ही ड्राइवर है। उसके बाद में ड्राइवर क्योंकि नशे में था और वो गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई बस। और काफ़ी बच्चे, अभी तो बताया जा रहा है कि काफ़ी बच्चे बहुत ही सीरियस सिचुएशन में हैं। कुछ को महेंद्रगढ़ भेज दिया गया है और कुछ शायद करीना के ही अस्पताल में है, कुछ को रोहतक पीजीआई कर दिया गया है। एक भाई दो भाई थे, वो दोनों भाई मर गए। बताओ दोनों भाई थे? दो भाई थे, दोनों मर गए। दोनों भाई थे, वो दोनों, उनको क्या हाल हो रहा है? दोनों जो भाई थे वो मर गए। बताओ ये उनको तो है, कोई तालो बंद है? उनको तो बिल्कुल तालो बंद है। तेरे उन गणे सारे बच्चे एक ही गांव के थे कि अलग अलग गांव के आसपास? अलग अलग गांव से थे भाई, अलग अलग गांव के थे। और स्कूल वो यहां पे कनियाना में है, स्कूल जीएल स्कूल है, जीएल पब्लिक स्कूल। तो भाई यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, जाम लगाने के लिए आए थे ग्रामीण, लेकिन इनका कहना है कि जाम भी नहीं लगाने दिया गया। और देखिए ये पुलिस हादसे से पहले तो नहीं आती, खैर घटना होने के बाद ही पुलिस पहुंचती है और उसके बाद इनका जोर सिर्फ ग्रामीणों पर चलता है, सिस्टम पर इनका जोर कहीं भी नहीं चलता। जो ये आम लोग हैं जो खड़े हुए हैं, आम जनता है जो त्रस्त है, ये बता रहे हैं कि एक ही घर के दो बच्चे चले गए। अब आप ही बताइए कि उस घर में क्या ही बचा होगा। और सरकार या फिर सरकार के अधिकारी भी आप ही जाते हैं, कोई मुआवजा थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, लेकिन उससे उस घर के चिराग, उस घर के वो चिराग, वो बच्चे वापस नहीं आ पाएंगे। अब जो स्कूल है उसकी उसको कुछ कहना चाहोगे? जो स्कूल का स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, स्कूल के मुखिया है, अपना कोई मैटर नहीं है, मुआवजा दिया भाई घाटो मरी को के। तो यहाँ पर भाई ये पुलिस आई हुई है, पीछे आप दिखाई, इतनी सारी पुलिस खड़ी है अब। और सरकार सिस्टम से हम यही कहना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हादसे होने से पहले अगर इन पर नोटिस डाला जाए, पहले इन चीज़ों को देखा जाए कि हादसे हो ही ना, तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो। क्योंकि आम जनता ही हमेशा परेशान होती है, आम जनता ही त्रस्त होती है। सरकारों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ निंदा और खेद व्यक्त कर देते हैं। उस निंदा और खेद से ना तो वो बच्चा वापस आता है और ना ही उस घर का चिराग वापस जलता है। जितने भी बच्चे, क्योंकि अभी पूरी खबर क्लियर भी नहीं हुई है, जो हॉस्पिटल है, जो स्टाफ है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुल कितने बच्चे थे। 33 बच्चे शायद बचाए जा रहे थे बस में, 33 से 35 बच्चे, और लगभग अभी 8 बच्चों की खबर बाहर आई है। स्कूल ने बंद कर दिया, वो फीस वापस दो जो धड़ी है, जो फीस दे रखी है वो फीस दो जो। लेकिन सजा भी तो होगी ना, तो जो ड्राइवर सजा दो, वो तो सजा दो, वो बंद कर दो स्कूल को, उन बंद कर दो, उनको बंद कर दो। हाँ कल और भी मारेंगे वो ड्राइवर, उनका स्कूल वाला और बच्चा ने मारे, आई करवा दे। ये तो प्रिंसिपल की लापरवाही है ना, बंद करवा दे, उन्हें करवा दे, बंद करवा दे। भाई अंकल जी कह रहे हैं कि स्कूल को ही बंद करवा के जो फीस है जितनी भी अभी दी गई है, फीस वापस दिलवा दी जाए। अभी तो वैसे भी बेलते हैं कि दुआ दे, बेलते हैं कि हाँ और के ये वो आ गोल, हाँ तो क्या करो परे, फिर जाता है कि दुआ बंद कर दे। तो भाई ये गुस्सा है ग्रामीणों का, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई इतने बच्चों का एक साथ में एक्सीडेंट। और ये सोचिए कि वो बच्चे अपने घर से पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब वापस कभी अपने घर पर वो नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरफ पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और ये ग्रामीण है, शायद जाम लगाया था लेकिन जाम नहीं लगाने दिया गया। अभी हम उस स्कूल में भी चलेंगे और जहाँ पर वो बस का हादसा हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, और स्कूल में भी जाकर पूछने की कोशिश करेंगे जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, हेड हैं, उनसे कि क्यों ये इतना बड़ा हादसा हुआ और क्या लापरवाही रही, सिस्टम कहाँ ख़राब हुआ। बाकी आप लोग समझदार हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है ताकि हरियाणा सरकार तक, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच पाए कि जो धरती पर है ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सिस्टम इतना ख़राब है, जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी इतनी मनमानी करते हैं कि छुट्टी जो है वो भी नहीं देते। जी भाई साहब, सबसे पहले तो जी हम संवेदना व्यक्त करते हैं, जो जो इसमें बच्चों का दुखद घटना हुई है उन सब परिवारों के प्रति हमारा बहुत ही संवेदना है, उनको नमन करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरा इलाके के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत ज़्यादा बच्चों की यहाँ डेथ हो गई स्कूल की लापरवाही के कारण और ड्राइवर की लापरवाही के कारण। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि आगे चल के इस तरीके की घटनाएं दोबारा घटित ना हो, सख्त से सख्त इनको सज़ा का प्रावधान किया जाए। दूसरा ये कहते हैं कि जो फिटनेस का जो सेंटर चल रहा है और
महेंद्रगढ़ की ही बात नहीं करता, मैं पूरे प्रदेश की बात कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी को भी बताना चाहते हैं कि फिटनेस के सेंटर जो चल रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इस जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। किसी भी गाड़ी का फिटनेस करवाने के लिए प्रॉपर जगह पर नहीं बुलवाया जाता और रुपए लेके उसका वहीं पर ऑन द स्पॉट वहीं भेज दिया जाता है स्कूल में फिटनेस करवाने के लिए। फिटनेस हो गई गाड़ी तो इसको भ्रष्टाचार को कम अच्छा किया जाए। पासिंग जो होती है उसका बता रहे हो? हाँ जी, पासिंग जो बसों की जो पासिंग होती है वो सबसे ज्यादा करप्ट है वहाँ पर। और इस भ्रष्टाचार से लगाम लगाने के लिए सरकार को सख्त कानून बना के दायरे में ला के नियम बनाने पड़ेंगे, तब कार्रवाई होगी। किसी भाई को दिक्कत हो तो इसमें हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज का ही भला हो किसी न किसी तरीके से। मैं संदीप यादव बचेनी जी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज के प्रति हर कामों में हमारा पूरा संगठन आगे रहता है। सिर्फ संवेदना और खेत से तो बात नहीं बनेगी। जितने मतलब जिनके चिराग गए, अभी बता रहे थे कि एक ही घर के दो बच्चे चले गए, अब उनको संवेदना है, 18 डेथ हो गई पर सिर्फ संवेदना है, खेत से तो काम नहीं चलेगा। ईद है, आज ईद का त्यौहार बना रहा है पूरा देश, जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ईद के त्यौहार पर भी सरकारी छुट्टी है लेकिन प्राइवेट स्कूल खुले रखे जा रहे हैं, और ये हमेशा ही देखने में मिलता है कि प्राइवेट स्कूल खुले ही रहते हैं, सरकारी छुट्टी पर वो बंद नहीं करते, सिर्फ संडे को छोड़कर। ऐसा है जी, जो अधिकारी हैं जिम्मेदार हैं उसमें दोषी हैं, उनको सख्त कार्रवाई करी जाए उनके खिलाफ। उनका तो ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्शन ले और कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं दोबारा घटित ना। जो पुलिस प्रशासन है भाई ये हटा रहा है। सर अभी तक क्या अपडेट सामने आई नहीं है सर? अभी कोई और अधिकारी पहुंचने की उम्मीद है, कौन आएगा यहाँ सरकार की तरफ से? भाई ये पुलिस प्रशासन है, अभी ये बता रहे हैं कि अभी अधिकारी आने भी हैं और साइड में होले अभी आगे हम वहाँ पर ले चलेंगे जहाँ पर जो स्कूल की बस का एक्सीडेंट हुआ था। अभी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल